नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में SBI लाइफ का जो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्मार्ट चैम इंश्योरेंस। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट चैम इंश्योरेंस, स्मार्ट चैम से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज, ये एक बच्चों की स्कीम है जिसमें कि 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चे की, सॉरी या 13 साल तक के बच्चे की इसमें एंट्री हो सकती है। ठीक है गाइस, ये देखिए आपके सामने एलिजिबिलिटी आई है। लाइफ एश्योर 21 साल की ये पॉलिसी है गाइस। ठीक है, इसमें आपको जब तक आपका बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक आपको पैसे जमा करवाने होते हैं। मान लीजिए आज आपका बच्चा 2 साल का है तो आपको 16 साल पैसे भरने हैं। और इसमें बच्चा कब से कब तक इंश्योरेंस करवा सकता है, 0 से 13, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है गाइस, और इसमें आपका जो लाइफ एश्योर्ड है मतलब उसका फादर या मदर जो भी उसका इंश्योरेंस करवाएगा वो 42 से 70 ईयर्स तक हो सकता है। और चाइल्ड जब 18 साल का हो जाएगा गाइस तो उसको इसका 25% मिलेगा, जितना कि सम एश्योर है उसका 25%। मान लीजिए आपने 10 लाख का बीमा कर रखे तो आपको 2,50,000 रुपये 18 साल में मिलेंगे। फिर 19 साल में जब आपका बच्चा होगा तो उसको फिर से 25% मिलेंगे, मतलब 2,50,000। ऐसे 19, फिर 20, फिर 21 साल में आपको मेच्योरिटी विद सारे बोनस आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके मंथली स्टार्ट होती है 500 से, क्वार्टरली 1500, हाफ ईयरली 3000, एनुअल 6000, सिंगल, ये सब आपको जो डाटा दिया हुआ है ये आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये पॉलिसी टर्म है, मैंने आपको बताया 21 साल की पॉलिसी टर्म है। ठीक है, जिसमें आपको 18 साल तक आपने बच्चे का जो है पैसा भरना होता है। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो 18 में से 2 माइनस करें, 16 ईयर्स तक आपको पैसे जमा करवाने हैं अपने पॉकेट के बजट के अनुसार। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है गाइस, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर बाई चांस फादर को इन मिड, जैसे आपका बच्चा 2 साल का है तो आपने 4 या 5 साल तक पैसे जमा करवाए हैं, तो बाय चांस सडनली आपका डेथ या फिर एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है इन फ्यूचर, तो बाकी आपकी जो क्लेम है वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जो आपके बच्चों के लिए आपने जो ड्रीम्स देखे थे और 18, 19, 20, 21 साल में जो भी इसको क्लेम मिलना था उसके लिए जो किस्तें हैं वो प्रीमियम है वो SBI खुद पे करेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है गाइज ये स्टेट बैंक की तरफ से। ठीक है, और इसमें सारे बोनस वगैरह सब कुछ मिलता है। और इसमें अगर आप ईयरली इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेकंड ईयर में आपकी जो प्रीमियम है वो आपको कम कर दी जाएगी, डिस्काउंट दे दी, जैसे इस साल आपने 30,000 भरी है तो अगले साल आपको 28,000 समथिंग कुछ देने पड़ेंगे। ये इसका फ़ायदा है ईयरली में। ऐसे ही अगर आपने 10 साल तक ऐसे करा, 10 साल तक पॉलिसी भरी है, मान लो आपका बच्चा 8 साल का है तो 10 साल तक अपने पैसे भरे हैं तो आपको 1-2 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो आपको 1,000 के हिसाब से 10,000 का बेनिफिट इसमें से बच जाएगा। समझ रहे हैं गाइज आप मेरी बात को? ठीक है, अगर आप ईयरली करवाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और आपका जो लॉक पीरियड रहेगा, ठीक है, वो भी इसमें मेंशन है। नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट, अगर आप SBI की किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो आपको अच्छे से डिटेल में समझा देंगे गाइज वो, और एज के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपका कितना प्रीमियम बनता है। और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है गाइस, देरी ना करें, इसको जल्द से जल्द अपने बच्चे के लिए करवा लीजिए। और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट रहेगा, जी हाँ मैं ये बताना भूल गई थी आपको, इसमें आपको इनकम पर टैक्स देना नहीं होगा। और इसमें डेथ 3 तरह के क्लेम मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें नॉमिनी चाइल्ड होगा, और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट है गाइस जिसकी तो मैं गिनती नहीं कर सकती, इतने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और बोनस भी है इसमें गाइस, और भी मतलब काफ़ी फैसिलिटी हैं। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।